लोगों को कैसे सुरक्षित ढंग से वाहन चलाना है, कैसे सुरक्षित रहना है और दूसरों के लिए खतरा का पैदा नहीं करना है, अपने आप को कैसे बचा के चलना है, ये सारी चीज़ों के हम दे रहे हैं। नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल से बात करते हुए वाहन नहीं चलाना चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस रखना चाहिए और खराब गाड़ी की स्थिति पहले चेक कर लें, जाँच करवा लें कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में दे रहे हैं अभी। और तीन सवारी ना चलें, नशे की हालत में ना चले, ये चीज़ें। बाकी इसके अतिरिक्त लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवाना है उनको, तो उसके बारे में भी जानकारी लेते आते हैं, तो उसको भी बताते हैं हम लोग। यातायात के नियमों का पालन कैसे करना है, संकेतों के बारे में बताते हैं, और जहाँ पर भी ट्रैफिक का सिग्नल है या ट्रैफिक पुलिस वाले इशारा कर रहे हैं तो संकेतों इशारों के बारे में भी वो उनका पालन करें और अच्छे से सुरक्षित वाहन चलाएं, ताकि वो दूसरे के लिए भी खतरा ना पैदा कर सके और अपना भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें, ये बता रहे हैं हम। तो इसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, जैसे पैदल चलते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, साइकिल चलाते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, टू व्हीलर चला रहे हैं तो उनको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, फोर व्हीलर वाले को क्या क्या बातों को ध्यान में रखें, नो पार्किंग में गाड़ी खड़े ना करें, साइकिल चलाने वाला है तो वो भी अपने साइकिल को पहले अच्छी कंडीशन में है कि नहीं चेक कर लें, और बायां साइड हमेशा चलें और साइकिल में कोई भारी चीज़ों को रख के ना चलें, यदि बरसात का दिन है तो छत्ते का प्रयोग करते हुए ना चलें, ऐसा टू व्हीलर है तो मोबाइल से बात करते हुए ना चलाएं, नशे की हालत में ना चलाएं, तीन सवारी में चलाएं, इस टाइप की चीज़ों को बताते हैं इनको, ठीक है। हाँ, एनसीसी बच्चों को भी हम कल से इनको लगा के रखे हैं, यातायात के नियमों के बारे में इनको कैसे यातायात ट्रैफिक को रेगुलेट करना है इसके बारे में बताएं, यातायात के नियमों के बारे में बताएं, पैदल कैसे चलना है इनको, साइकिल चलाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, इस चीज़ों को। इसके बाद ट्रैफिक सिग्नल के पास में चौक में चौराहों में खड़े होकर इनको ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट करना है, इस चीज़ों को बता के कल इनको मार्गदर्शन देखने को लगाया गया है, तो ये कल से ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे हैं यहाँ पे सासी चौक में, और एक सप्ताह चलेगा इनका। ऐसा नहीं है, हम जहाँ पे हमारा दृष्टि जाता है हम कार्रवाई जरूर करते हैं, अब पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस है नहीं हर जगह, तो हर एक गाड़ी को हमें हमारे सिपाही एक रोक रहा है तो उस समय तीन गाड़ियां चली जाती है, ये स्थिति है। तो जहाँ पे हमारा दृष्टि जाता है हम कार्रवाई करते हैं, आप कैसे कहना तो सही नहीं है।